मैं तो पार्टिसिपेंट नहीं हूँ और सबके बीच में ओ भैया आप सबों के बीच और विशेष करके सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स जो मिस एंड मिसेस ये कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। देखो ना यहाँ कि आप लोगों ने बहुत विशेष कदम उठाया है। किसी भी सीरीज या किसी भी चेन की पहली कड़ी तो बन जाती है पर उसके लिए जब तक दूसरी ना हो तो हो सकता है तीसरी चौथी नहीं बनती। और इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं ऑर्गेनाइजर्स। पर ऑर्गेनाइजर्स अगर बहुत ही मेहनत करते और पार्टिसिपेंट्स ना होते तो कार्यक्रम फिर भी अधूरा होता। और इसलिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को सभी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। और साथ ही सभी इतनी प्रिटी लेडीज और बहुत यंग और एनर्जेटिक स्टूडेंट्स और मिसेस बहा लोगों को भी मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक नारी शक्ति का की छवि को दिखलाया है इस दुमका शहर में। साथ ही सुंदरता हर संस्कृति में तरह तरह से उभर कर आती है और जिस तरह से एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी इस कॉम्पिटिशन से होने सका है यहाँ की स्थानीय संस्कृति की संथाल संस्कृति की तो उसके लिए आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। और मुझे तो नहीं पता कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे रनर अप विनर होंगे पर सब लोग जितने स्टेज पर खड़े हैं एक स्तर से विनर हैं और इसलिए आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। और जो जिनको प्राइज मिल जाएगा वो इस साल के विजेता होंगे परंतु जिनको प्राइज नहीं मिलेगा वो अगले साल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मौका खत्म नहीं होता जब तक आप विन नहीं करते और विनिंग केवल मिस या मिसेस बहा बन के नहीं होता। आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाएं ऐसी मेरी कामना है। आप सबों को बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स कि मुझे बुलाया आप लोगों ने इस ओकेशन में भाग लेने के लिए आपको देखते हुए और बहुत ही मुझे अपनत्व का महसूस हुआ है मैंने किया है तो इस सबके लिए बहुत धन्यवाद। आईमा सराव बहुत बहुत